नाजरीन आज आपका प्लानिंग फोरमैन है, पाइपिंग फोरमैन, उसके बारे में आपको बताएगा ये पाइपिंग का काम कैसे हो रहा है। सामने हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का तमाम का लाइन इस पाइप लाइन से आ रहे हैं, इस पाइप लाइन से क्या तरीक़ाकार है, इसका क्या इफेक्ट है, या इस कैसे काम करें मैकेनिकल का आदमी या मैकेनिकल का फॉरमैन, इसके बारे में सलीम साहब आपको बताएंगे। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सलीम साहब नाज़रीन को बता देना आपने। सर ये ड्रेनेज का लाइन है, इसमें जो है हमने पहले पैप डाले हैं खुदाई करा के, उसके बाद हमने पैप जेंड किए, उसके बाद फिर हमने टेस्टिंग के लिए पानी डाला हुआ है। हाइड्रो टेस्टिंग के लिए आप पानी डालते हैं? हाइड्रो टेस्टिंग बोलते हैं इसको। फिर हाइड्रो टेस्टिंग होगा, उसके बाद पीओसी आएंगे, हमारे पीओसी चेक करेंगे इसको, फिर इसका आरएफआई जाएगा, एमईपी का क्यूसी, इसको इंस्पेक्शन करेंगे, इसके बाद आरएफआई डालोगे? यस सर, इसके बाद हम आरएफआई डालेंगे। जब ये ओके हो जाएगा फिर इसका वाटर हम रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद इसका बैक फिलिंग होगा, उसके बाद इसके ऊपर दूसरा बिल्डिंग बनेगा। अच्छा अच्छा। ये हाइड्रो टेस्टिंग आप क्यों करते हो? इसलिए करते हो कोई चेंज आपका एल्बो वगैरह ये लीक ना हो, इसीलिए करते हो कि भाई हमारा बाद में बिल्डिंग बनेगा, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना बने? फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसका टेस्टिंग लाजमी होता है, जब भी कोई पैप डालेगा टेस्टिंग लाजमी है उसके लिए। अच्छा। हाँ, ये नहीं होता ऐसे मिट्टी डाल के चला जाए, बाद में फिर लीक हो जाएगा, बिल्डिंग को कैसे हम तोड़ेंगे, कैसे कवर करेंगे, इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर सेंट डालना पड़ता है ताकि कोई एग्रीगेट कोई कंक्रीट हो आपका पाइप डैमेज ना हो। यस, इसके लिए बहुत लाजमी होती है, क्योंकि पत्थर डालेंगे ये पैप टूट जाएगा, इसलिए रेमल डालना इसका 30 सेंटीमीटर 1 मीटर भी डाले कोई मुश्किल नहीं है, जितना रेमल डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये हमारा फॉरमैन है, फिलिंग का फॉरमैन है, स्टील का सुपरवाइजर है, ये हमारा सारा इस ग्राउंड एरिया में काम कर रहे हैं, इसलिए ये साथ खड़े हैं, इसके बाद इनका काम शुरू हो गया। अगले वीडियो नाजरीन को बता देंगे, लाजमी हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अगले वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।